वी आर स्टार्टिंग नाउ। तो देखो हम लोगों ने टॉपिक क्या किया था एक्चुअली, वो देखो सेक्शन नंबर 18-4 हम लोगों ने सेक्शन कल कौन सा कंप्लीट किया था, सेक्शन नंबर 18-4 इसके अंदर पॉइंट क्या था, अगर कोई रेगुलर या नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन स्विच करता है कहां पे, कंपोजिशन या एग्जेम्प्टेड या अनरजिस्टर्ड के अंदर, या तो कंपोजिशन में या एग्जेम्प्टेड में या अनरजिस्टर्ड में, तो इन दैट केस क्या होगा, उसकी जो भी आईटीसी होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसकी जो भी आईटीसी है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल तो देखो उसमें क्या होगा, आईटीसी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। किस तरह से, उसके लिए देखो, उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी वो किस तरह से होगी, देखो इनपुट पे कितनी 100%, इनपुट पे कितनी होगी 100% आईटीसी। आईटीसी की बात ये है, हाँ हो सकता है एक्चुअली अगर मैं एक बार मोबाइल से कनेक्ट कर दूंगा फिर कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं है। तो देखो इनपुट्स के ऊपर क्या सीन रहेगा, इनपुट्स के ऊपर सीन क्या रहेगा, 100% रिवर्स होगी, 100% क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी। और कैपिटल गुड्स पे क्या सीन रहता है, आईटीसी डिवाइड बाय 60 क्यों, कैपिटल गुड्स की लाइफ मैंने 5 years मानी है, 5 years मतलब कितने मंथ्स हो गए, 60 months, और मल्टीप्लाई करते हैं रिमेनिंग लाइफ से, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रिमेनिंग लाइफ का मतलब क्या हो गया, रिमेनिंग लाइफ का मतलब क्या हो गया, 60 माइनस यूज्ड मंथ्स। मंथ्स कैसे काउंट करते हैं, परचेज वाले मंथ से स्विच वाला मंथ। जैसे देखो परचेज किया है 22 नवंबर को और स्विच कर रहा है 1 मार्च को, तो मंथ कितने हुए, या चलो ये मान लेते हैं 22 फरवरी को। तो देखो ऐसा मत कर लेना 22 दिसंबर 22 जनवरी 22 फरवरी 3 महीने बराबर, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली करना क्या होता है, कब परचेज की थी, नवंबर में, और कब स्विच किया है, फरवरी में। तो नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, तो कितने महीने हुए, 4 महीने। यहां कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स, मतलब परचेज वाले मंथ से स्विच वाला मंथ ये मैटर नहीं करता है। स्विच मतलब एक दिन पहले चेक करते हैं हमेशा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मंथ टू मंथ होती है, डेट्स का कोई ध्यान नहीं रखना है। तो समझना मेरी बात को, अगर मैं बात कर रहा हूं मंथ की तो कंप्लीट मंथ ध्यान रखेंगे, और अगर क्वार्टर की बात कर रहा हूं तो कंप्लीट क्वार्टर्स, ठीक है। चलो तो अब वापस एक बार देख लो, अगर कोई रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन स्विच करता है किसके अंदर, कंपोजिट एग्जेम्प्टेड या अनरजिस्टर्ड के अंदर, किसके अंदर, कंपोजिट रजिस्टर्ड या एग्जेम्प्टेड के अंदर, तो इन दैट केस जो आईटीसी है, आईटीसी विल बी कैंसल्ड एंड विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और जिसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, इसको क्या बोलते हैं, आईटीसी कैंसिल करना, वो हमारी लैंग्वेज में आता है, जीएसटी के लैंग्वेज में उसी चीज को बोलते हैं रिवर्सल। उसी में क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता समझना, सस्पेंड करना, पर आर्मी की लैंग्वेज में उसका क्या बोलते हैं, कोर्ट मार्शल करना, ठीक है। द पॉइंट इज हम कैंसिल ही हो रही है, बात वही है, बट द पॉइंट इज आईटीसी मतलब जीएसटी की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल। ओके
हेलो बिग बॉस। तो देखो रिवर्सल होगी किस तरह से, इनपुट्स जो है, जो आपके इनपुट्स है उस पर रिवर्स होगी 100%, 100%। और बात ध्यान रखना, टैक्स की अमाउंट रिवर्स होगी ना कि पूरी अमाउंट। रिवर्स क्या होगी, केवल और केवल टैक्स की अमाउंट। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से पूरी अमाउंट को रिवर्स कर देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। और कैपिटल गुड्स में क्या सीन रहेगा, फॉर्मूला लग जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट अपॉन में 60 मंथ्स अपॉन में 60 मंथ्स इनटू रिमेनिंग लाइफ, इनटू रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ का सीन क्या रहता है, 60 आपने यूज, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी मानी 60, उसमें से जितने मंथ्स आपने यूज में ले लिया है। और मंथ कैसे काउंट करते हैं, जैसे 22 नवंबर से 22 फरवरी है तो आपको मंथ से मंथ चलना है, डेट्स का ध्यान नहीं। तो 22 नवंबर से 22 फरवरी, तो नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, देखा इस तरह से चलेंगे। कितने मंथ्स माने जाएंगे, 4 मंथ्स। होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया ये। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सुनना, यहां पे सीन क्या रहेगा, ढंग से समझना। सोहन एंड सन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इन अजमेर has opted to pay tax on composition scheme। तो देखो registered था, opt किया है किसके लिए, composition के लिए। registered से किसमें opt कर लिया उसने, composition के लिए अंदर, with effect from 1st April 2019। और हम लोग हमेशा क्या चेक करते हैं, एक दिन पहले, मतलब मैं कब चेक करूंगा, 31st March 2019 को, मैं हमेशा कब चेक करूंगा, 31st March 2019 को, ठीक है। तो दे भी रखा, देखो बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रखा है 31 मार्च 2019 को। पॉइंट नंबर वन, इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक सच वैल्यूड एट ₹3,36,000। अब ये इनपुट्स की वैल्यू दे रखी है, मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है इनपुट टैक्स का, आप लोगों को ध्यान किसका रखना है, इनपुट टैक्स का। और ये 3,36,000 जो है पूरे इनपुट्स की वैल्यू है, और उसके अंदर टैक्स कितना इंक्लूड है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 12%, 6-6%। तो चलो पहले इसको निकाल लेते, टैक्स को अलग कर देते हैं। तो 3,36,000 किसके बराबर है, 112 के, तो 12 के बराबर कितना होगा, 3,36,000 किसके बराबर है, 112 के, तो 12 के बराबर कितना होगा, 36,000, ठीक है सर। फिर इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स, इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स वेयर टैक्स इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल रिलेटिंग टू सच इनपुट्स, बट नोन दैट मार्केट प्राइस ऑफ सच इनपुट्स इंक्लूसिव ऑफ 12% टैक्स, 12% टैक्स इंक्लूड है, और वैल्यू कितनी देर की है, 1,79,200। अब हमें इसका इनवॉइस नहीं पता है, बट इसकी मार्केट वैल्यू पता है, तो मार्केट वैल्यू के बेस पे इसमें देखो इसकी कितनी वैल्यू है, 1,79,200। कितना टैक्स इंक्लूड है, 12%, 112 के बराबर हो गई, इंक्लूड है, इसका मतलब 112 के बराबर है। तो 12 के बराबर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 19,200। आगे नेक्स्ट, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स। अब यहां देखो आपको क्लियर वर्ड क्या बोला है, ये क्या दे रखा आपको, इनपुट टैक्स, केवल इनपुट टैक्स दे रखा है, और
इनपुट टैक्स 23/11/2018 को परचेज किया था अपन ने, कितने में? 1.44 को। कब परचेज किया था? नवंबर 2018 में। हम लोग कन्वर्ट कब कर रहे हैं, स्विच कब कर रहे हैं? मार्च में। तो यहां से यहां तक के मन देखेंगे तो यहां कैसे चेक करते हैं, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 60 माइनस यूज्ड मंथ। तो यूज्ड क्या हुआ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। धीरज भाई थोड़ा समझाने दे, मुझे भी मौका दे भाई। ठीक है, तो 1,44,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60 माइनस, अब 5 माइनस क्यों करें, कितने टाइम हमने यूज में लिया? नवंबर में परचेज किया था और 31 मार्च को हम लोग स्विच कर रहे हैं, तो नवंबर से मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने, तो 55 से इंटू हो जाएगा, तो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 55, 1,32,000। तो 1,32,000 प्लस 36,000 प्लस 19,200, 1,87,200, ये रिवर्सल अमाउंट है। ठीक है, हाँ तू देख, सुनना मेरी बात को, सेकंड पॉइंट वापस से देखना, सुनना सेकंड पॉइंट वापस से देख लो एक बार। देख, इनपुट्स कंटेन इन फिनिश गुड्स, मतलब देख इनपुट्स हैं, अब चाहे वो रॉ मटेरियल हो, WIP हो या फिनिश गुड्स हो, ठीक है, कोई भी हो, इन दैट केस इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल रिलेटिंग टू सच इनपुट्स, हमारे पास उसका इनवॉइस है ही नहीं, बट इनपुट्स तो एक्चुअल में इनपुट्स तो पड़े हैं ना हमारे पास में। मार्केट प्राइस कितनी उसकी, मार्केट प्राइस कितनी है उन इनपुट्स की? 1,79,200 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करते हुए, तो द पॉइंट इज यहां पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहां पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहां पे पॉइंट क्या हो, सुनना मैं बात को ढंग से, 179,200 इसकी मार्केट वैल्यू है, इंक्लूसिव टैक्स 12%, तो 12% टैक्स इंक्लूड है, मतलब किसके बराबर हो गई, 112 के बराबर, तो 12% टैक्स निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब ये बोलोगे आप लोग कि यार सर आपने समझाया था कि अगर इनपुट्स अवेलेबल नहीं है तो ITC मिलती नहीं है। सबका एक क्वेश्चन एकदम से आया दिमाग में कि यार आपने तो शुरू से हमें यही समझाया है कि अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो ITC नहीं मिलती है, आज एक नई चीज क्यों बता रहे हो? हाँ ढूंढ, वही बता रहा हूँ, एक से ढूंढना, आप लोगों का क्वेश्चन तो यही है, पर मैं भाई मेरी बात सुनो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग ITC दे नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं उसका ध्यान रखो, हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कैंसिलेशन, या फिर मैं इसको हमारी लैंग्वेज में बोलूं, मतलब GST की लैंग्वेज में, तो रिवर्सल या कैंसिलेशन ऑफ ITC। मैं यहां पे एक्चुअली कैलकुलेट क्या कर रहा हूं, कैंसिलेशन ऑफ ITC, ना कि मैं ITC दे रहा हूं, समझना मेरी बात को, सब लोग मेरी बात को अच्छे समझना, आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि जब इनवॉइस अवेलेबल नहीं होता है तो ITC नहीं मिलती है, परफेक्ट क्वेश्चन है, पर मैं ITC दे का रहा हूं, उस बंदे ने रजिस्टर से स्विच कर लिया कंपोजिशन के अंदर, मैं ITC नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं अभी, ना मेरी बात सुनो तरीके से, मेरी बात सुनना, मैं ITC कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं उसको ITC नहीं दे रहा हूं, उसकी ITC कितनी कैंसिल होगी मैं वो चेक करना चाह रहा हूं, मैं उसकी ITC कितनी कैंसिल होगी, अब समझना, अगर आप लोगों को ITC लेनी है तो वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, पर अगर मुझे कैंसिल करनी है तो मैं माल देखूंगा उसका ITC कैंसिल करूंगा,
कैंसिल करते टाइम आप तो ये बोल दोगे, सब में बोल दोगे भैया मेरे फर्स्ट में भी इनवॉइस नहीं है, सेकंड में भी इनवॉइस नहीं है, थर्ड का भी इनवॉइस नहीं है, आईटीसी कैंसिल करो मत। तो क्या मैं आईटीसी कैंसिल नहीं करूंगा? तो क्या मैं आईटीसी कैंसिल नहीं करूंगा? क्या आईटीसी जब पैसे रिफंड करने हो, जब पैसे मुझे देने होंगे, रिफंड करने होंगे मतलब मुझे आईटीसी देनी होगी, तब मैं मांगूंगा बताओ वैलिड इनवॉइस है क्या? आप लोग बता दोगे ये रहा वैलिड इनवॉइस, तो मैं आईटीसी दे दूंगा। लेकिन जब मुझे कैंसिल करनी है तो मैं कोई इनवॉइस इनवॉइस नहीं देखूंगा, मैं तो कैंसिल करने में दिमाग लगाऊंगा कैंसिल करनी है। आप तो मना कर दोगे, आप तो सबके लिए मना कर दोगे, हमारे पास कोई इनपुट, हमारे पास तो इनवॉइस ही नहीं, सारे फट गए, सारे जल गए, तो क्या मैं आईटीसी कैंसिल नहीं करूं? ऐसे तो कभी जिंदगी में आईटीसी कैंसिल कर ही नहीं पाऊंगा। और हर बंदा जो रजिस्ट्रेशन से अनरजिस्टर्ड हो रहा है वो तो यही बोल देगा हमारे पास कोई इनवॉइस है ही नहीं, आईटीसी कैंसिल मत करो। तो द पॉइंट इज जब आपको आईटीसी लेनी है तब आपको इनवॉइस चाहिए होगा। जब आप लोगों को आईटीसी लेनी है तब आप लोगों को इनवॉइस चाहिए होगा। एक सिंपल सी बात समझो, आपको एग्जाम के अंदर बैठना है, एलिजिबल आईटीसी क्यों निकालेंगे? अभी ना एलिजिबल आईटीसी क्यों निकालेंगे? जब बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है तो मैं एलिजिबिलिटी क्यों निकालूंगा? पहले ये सोचो, पहले रजिस्टर्ड था, मैं जब उसको आईटीसी देनी है तो एलिजिबिलिटी चेक करूंगा ना मेरे भाई। जब मुझे आईटीसी देनी ही नहीं है, एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझना, आप लोगों को एग्जाम के अंदर बैठना है, एग्जाम के अंदर जाना है, तो मैं आप लोगों का एडमिट कार्ड चेक करूंगा, आप उस क्लास से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो वो सब चेक करूंगा। लेकिन जब आपको एग्जाम से बाहर निकलना है तो वापस कभी चेक करता है क्या कोई? आपके पास, आप बाहर निकल रहे हो, आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं है, आप एडमिट कार्ड क्लास में भूल गए, कुछ भी हुआ, तो गेट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या आपके? बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल समझना, आप लोगों को जब एग्जाम के अंदर एंट्री लेनी थी, जब आप लोगों को एग्जाम के अंदर एंट्री लेनी थी तब आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा। जब बाहर निकलना तो एडमिट कार्ड चाहिए होगा क्या? तो वही तो बात है, जब आईटीसी लेनी होगी तब मैं एलिजिबिलिटी चेक करूंगा, जब मुझे कैंसिल करनी है तो मैं एलिजिबिलिटी क्यों चेक करूंगा? तो मैं केवल इस पर ध्यान दूंगा कि आईटीसी कैंसिल कितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं मैं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं यही सोचूंगा कि कितनी ज्यादा से ज्यादा आईटीसी कैंसिल कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज जब आईटीसी देनी होती है तब हमेशा हम इनवॉइस चेक करते हैं, जब एलिजिबल आईटीसी निकालनी होती है तब हम लोग सारी कंडीशन चेक करते हैं, पर जब कैंसिल करने होती है तब कोई कंडीशन चेक नहीं होती है। आई रिपीट, जब आईटीसी देनी होती है तब सारी कंडीशन चेक करेंगे, जब आईटीसी देनी होगी तब सारी कंडीशन चेक करेंगे, पर जब कैंसिल करनी है तो कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? आईटीसी जब देनी होती है, आईटीसी एलिजिबल चेक करनी होती है तो मैं सब कुछ देखूंगा, बट जब आईटीसी कैंसिल करनी होगी तब मैं कोई कंडीशन चेक नहीं करूंगा। चलो, तो यहां पे टोटल रिवर्सल ऑफ आईटीसी कितना आया? 187,200, 187,200। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना दे रखा है? 2,20,000 का। ठीक है, तो अब रिवर्स कितनी हो गई? रिवर्स हो गई 1,87,200, और बाकी का जो बैलेंस आएगा 2,20,000 माइनस 1,32,800, बत्तीस हजार 800, ये क्या होगा? लैप्स्ड मतलब खत्म हुआ। क्या होगा? आपके पास में 2,20,000 की जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, मैंने कल समझाया भी था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके आईटीसी का बैलेंस शो होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके
आईटीसी का बैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है उसके अंदर आईटीसी का बैलेंस शो होता है। तो आपके पास देखो ये अपन मानते हैं सीआर साइड है, ये डीआर साइड है, सुनना समझना इस बात को है ना, ये सीआर साइड है और ये डीआर साइड है, ठीक है। आपके पास आईटीसी का बैलेंस कितना पड़ा था, 220,000। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना पड़ा, 220,000। मैंने अब मैं जीएसटी ऑफिसर हूं, मैं आपकी फैक्ट्री में आया, अब जब मुझे आईटीसी कैंसिल करनी है तो मैं यही दिमाग लगाऊंगा ज्यादा से ज्यादा कितनी कैंसिल कर सकता हूँ। मैंने आपकी फैक्ट्री में पड़ी हुई हर चीज चेक करी, उस पर आईटीसी कैंसिल करी, और वो जो कैंसिल अमाउंट आई है, मतलब जो रिवर्सल अमाउंट आई है, वो आई है 187,200। तो अभी भी आपके पास में 32,800 का बैलेंस पड़ा है, 32,800 का, अभी 32,800। मतलब ऐसे कुछ इनपुट्स हैं जो मुझे दिख नहीं रहे, हो सकता है कि आपने कोई सर्विसेज लियो, हो सकता है कि आपने वो इनपुट्स बेच दिए हो, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इन दैट केस वो चीज क्या हो जाएगी, लैप्स, मतलब अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे फिर चेक ही कर, पूरा 220,000 हटा देते हैं, नहीं होता क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में आईटीसी का बैलेंस होता 160,000, आपके पास आईटीसी का बैलेंस कितना आता, 160, कैंसिल कितनी हो रही है, 27,200 की। ये चेक करने के लिए काम आता है। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो कोई पंगा नहीं है, क्रेडिट बैलेंस कम है तो आपको और देनी पड़ेगी, आपको और पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ 220,000 का बैलेंस है, रिवर्स हुई है 187,200, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लैप्स हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि अब आप रजिस्टर्ड रहे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका बंद ही हो जाएगा। वहीं पे अगर आपका आईटीसी का बैलेंस, बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो 160,000 होता, कैंसिल हुई 187,200, तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंशियल अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, तो ये समझना, तो यहां पे आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो यह सुनना ध्यान से, एक गुड्स मैन्युफैक्चरर है, मूनलाइट हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, तो सुनना, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मूनलाइट लिमिटेड हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 May 2018। तो मैं चेक क्या करूंगा, एक दिन पहले 30th अप्रैल, तो ये रहा 30th अप्रैल, मतलब सुनना, वो बंदा जिस चीज का काम कर रहा था उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया, कब से, 1 मई से। तो अब तो वो क्या हुआ, नॉर्मल रजिस्टर्ड से किसमें आ गया, ऑटोमेटिकली किसमें आ गया, एग्जेम्प्टेड में, ठीक है। दीज गुड्स वर लाइबल टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% रेस्पेक्टिवली, मतलब टैक्स की रेट कितनी हो गई, जीएसटी की रेट कितनी हो गई, एट द रेट ऑफ 12%। देखो एग्जाम में आपको दोनों का अलग अलग शो करना होता है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं अलग अलग शो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे, द इनपुट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग विल आल्सो लायबल टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 12%, मतलब आउटपुट पे भी कितना टैक्स है, आउटपुट पे भी कितना टैक्स है, 12%, और इनपुट पे भी कितना टैक्स है, 12%। मतलब कुल मिला के आप लोगों के जीएसटी की रेट है 12%। अब देखो आप थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हुआ क्या है, पहले वो टैक्सेबल था, अब किसमें जा रहा है, एग्जेम्प्टेड के अंदर। तो जीएसटी क्या हो जाएगा,
आईटीसी क्या हो जाएगी, आईटीसी कैंसल होगी। अब थोड़ा सा मैच्योर बन के इस कैंसल वर्ड को हटा के बोलना सीखो रिवर्सल। अब वर्ड क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, रिवर्सल वर्ड यूज में लेंगे इंस्टेड ऑफ कैंसलेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ड यूज में लेंगे, ठीक है। आगे अब देखो, उसके पास इनपुट्स क्या क्या पड़े हैं। इनपुट्स कॉस्टिंग, पूरे इनपुट की वैल्यू है 3,36,000 रुपए, इंक्लूसिव ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, और टैक्स की रेट कितनी है 12%, ठीक है। तो देखो 3,36,000 किसके बराबर हुआ, 112 के बराबर। तो 12 के बराबर कितना होगा 36,000, 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी। फिर इनपुट्स कॉस्टिंग ₹2,41,940,920, जिसमें टैक्स इंक्लूड है, इन प्रोसेस मतलब WIP में है, तो 2,41,920 ये किसके बराबर है 112 के। तो 12 के बराबर कितना होगा, तो 241,920 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, 25,920। फिनिश गुड्स वैल्यूइंग ₹16,80,000 आर इन स्टॉक, ठीक है। इनपुट्स कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी इज 50% ऑफ द वैल्यू। अब सुनना, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू है 16,80,000, पर उसमें जो इनपुट्स काम में आए थे, सुनना बात को तरीके से, क्वेश्चन पढ़ के उसको समझना भी आना चाहिए। आप लोग एम कॉम फाइनल या बी कॉम फाइनल में हो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए आप लोग क्या कर रहे हो। फिनिश्ड गुड्स हैं 16,80,000 के, पर फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू है ये, तो मतलब जो चीज बन के तैयार हो चुकी उसकी वैल्यू है, पर उसमें जो इनपुट्स काम में आए होंगे, जो रॉ मटेरियल वगैरह काम में आए होंगे, वो कितना है उसकी वैल्यू का, केवल और केवल 50% ही है उनकी वैल्यू का। कितना है 50%, मतलब इनपुट की वैल्यू कितनी हुई 16,80,000, तो आपके पूरे माल की वैल्यू है, उसका इनपुट की वैल्यू कितनी है 50%, मतलब 8,40,000 ही है। आई रिपीट, यहाँ पे फिनिश गुड 16,80,000 की है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार शोरूम में खड़ी है, उसकी वैल्यू 16,80,000 है, पर उसको बनाने में जो इनपुट्स काम में आए होंगे वो उसका 50% ही था, मतलब उसको बनाने में 8,40,000 के इनपुट ही काम में आए, उसको बनाने में 8,40,000 के इनपुट ही काम में आए, उसको बेचने की वैल्यू 16,80,000 है। तो हमें बेचने की वैल्यू से मतलब तुमने, आईटीसी किस पे मिलती है इनपुट्स पे, तो कैंसिल भी किस पे होगी इनपुट्स पे। तो 8,40,000 इंटू ये किसके बराबर है 112 के, क्योंकि इंक्लूसिव बोला है, इंटू 12, तो 8,40,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपके 90,000। और यहां तक की टोटल एक बार मैं लगा रहा हूँ, 36,000 प्लस 25,920 प्लस 90,000, 1,51,920, ठीक है। फिर आगे दो पॉइंट और दिए हैं, फिर यहां तक की टोटल थी आप लोगों के 151,920 प्लस। अब देखो द क्रेडिट, आपको डायरेक्ट क्रेडिट दे दी है, द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स लाइंग इन स्टॉक, तो डायरेक्ट क्रेडिट दे रखी कितनी 2,16,000, और गुड्स का परचेज किए थे 1,08 को, और हम लोग स्विच कब कर रहे हैं 30 अप्रैल को। 1,08 का मतलब हो गया अगस्त से आपको कब तक चेक करना है, अप्रैल तक। तो इसके आईटीसी कैसे कैंसिल कर देंगे, 2,16,000 किसके बराबर मानेंगे 60 के बराबर, 2,16,000 किसके बराबर मानेंगे 60 के बराबर, तो मल्टीप्लाई 60 माइनस यूज्ड टाइम, देखो यूज कितना हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, 9 महीने काम में ले लिया आपने, ठीक है। तो 2,16,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 51, 1,83,600 ये बच गया, तो टोटल आईटीसी आ जाएगी 151,920, 3,35,500
520, ठीक है। अब पॉइंट क्या हो जाएगा, अब पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपके आईटीसी क्या हो गई, कैंसल। आगे क्या दे रखा था, डिपार्टमेंट आस्क्ड द मूनलाइट टू रिवर्स द क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट्स। तो देखो आईटीसी रिवर्स कितनी होगी, आईटीसी रिवर्स कितनी होने टोटल लगी थी अभी 335,520, 335,520 ये आईटीसी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना था, 456,000 का। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बैलेंस में देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक एक पॉइंट लेते हैं, तो देखो पहला पॉइंट क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना है, 456,000 का। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है 456,000 लेस रिवर्स कितनी हुई है 335,520, तो जो बैलेंस बच गया 120,480 का जो बैलेंस बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, लैप्स्ड। 120,480 का जो बैलेंस बचा हुआ वो क्या होगा, लैप्स्ड हो जाएगा। बट वहीं पे ये पॉइंट नंबर सेकंड में बोल रहा है, इसी का एक और पॉइंट बोल रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज ₹3,00,000। मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ये चीज समझाई थी, अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना है, 3,00,000। आपके रिवर्स कितनी हुई है, 335,520 की अमाउंट रिवर्स हुई है। तो माइनस में कितने आ रहे, 35,520, और ये अमाउंट क्या करनी होती है, अब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये चीज समझाई थी आप लोगों को, पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, पिछले क्वेश्चन में भी क्या समझाया था आप लोगों को कि भाई पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था कि भाई फॉर एग्जांपल यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है DRCR, ठीक है, जो बैलेंस है वो 456,000 है, कैंसिल हो रहा है 335,520, तो बची भी अमाउंट क्या हो जाएगी, लैप्स्ड 120,480। उल्टा अगर बैलेंस 3,00,000 का है, बैलेंस 3,00,000 का है, 335,520 अगर कैंसिल होते हैं तो जो डिफरेंस है वो क्या करना पड़ेगा, 35,520 का पे करना पड़ेगा, दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी डिवाइड कर देंगे, 35,520 डिवाइडेड बाय 2, 17,760 सीजीएसटी के, 17,760 एसजीएसटी के। तो चलिए आज ये फिनिश, कल आईटीसी का लास्ट दिन है, कल आईटीसी फिनिश हो जाएगी आप लोगों के, तो एक बार सारा रिवाइज कर लेना, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय। और कॉस्टिंग की क्लास 10 मिनट में स्टार्ट हो रही है।